आस्क मुफ्ती तारिक मसौद क्या जमहूरी निज़ाम नाजायज है पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत चल रहा है क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है या फिर खिलाफत का निज़ाम होना चाहिए अगर खिलाफत का होना चाहिए तो हमारे दीनी इदारे और इसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे महम्मद वकास गोजरा वाला से देखिए इस्लाम में कोई मखसूस तर्ज़ हुकूमत नहीं है ये पहले जहन में रख लें कि ये वाला निज़ाम ये वाला तरीके से हाकिम आए ये वाला तरीके से हाकिम आए असल ये है कि जो उस कौम के पढ़े लिखे संजीदा और अकलश वाले लोग हैं वो सेलेक्शन करें किसी ऐसे आदमी की जिसके बारे में उनको पता हो कि ये अल्लाह का खौफ भी रखता है गुनाह कबीरा से भी बचता है और मुल्क और कौम का खैर ख्वाह है वो सिलेक्शन करके किसी ऐसे आदमी को बना दें और वो आदमी जो खुद बनना चाहता है उसको तो बिल्कुल ना बनाया जाए तो हमें कुरान और सुन्नत से इतना पता चलता है कि असल तरीका ये है लेकिन ये असल तरीका दुनिया में कहीं है नहीं यानी होता तो बहुत अच्छा था और जो चीज़ आपके इख्तियार यानी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा भाई ऐसा होना चाहिए क्योंकि हज़रत अबू बकर इंतब ऐसे हुआ फिर हज़रत उमर का इंत ऐसे हुआ कि हज़रत अबू बकर ने समझदार लोगों की कमेटी बना दी उसमें भी सब लोगों से मशवरा नहीं किया समझदार लोगों की कमेटी बना दी सॉरी हजरत वकर ने हजरत उमर को ख़ुद ही नामज़द कर दिया क्योंकि आप जानते थे इनसे बेहतर कोई भी नहीं है तो पता चला खलीफा ख़ुद भी ना... नामजद कर सकता है और उमर ने कमेटी बना दी उस कमेटी ने पहले हजरत उस्मान को मंतब किया हजरत उस्मान के बाद उन्होंने हजरत अली को मंतब किया तो ये असल तरीक़ा है लेकिन दूसरी तरफ हमें हदीस में ये भी मिलता है कि अगर इस असल तरीक़े पर अमल नहीं हो रहा तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी और मुस्लिम की अलैह हदीस है इसमा सुल्लिता अलैकुम रजुलुन हबशीयुन क्या रासहु जबीबा यानी सबसे बेहतर तरीक़ा भी इस्लाम ने हमें बता दिया और सबसे बदतर तरीक़ा भी बता दिया और दोनों का हुक्म क्या है वो भी हमें बता दिया बहुत अहम बात है इसको गौर से सुने सबसे बेहतर तरीक़ा वो जो हज़रत अबू बकर की सिलेक्शन का था कि मक्का और मदीना के समझदार तरीन लोग जमा हुए उन्होंने हजरत अबू के हाथ पे बैत करना शुरू कर दी ये भी जायज़ है यह भी जायज़ है कि खलीफा ख़ुद नामज़द करे कि मेरे बाद ये होगा जैसे हजरत उमर का हजरत अबू बकर ने इंत किया और हजरत बकर ने जाहिर है ना अपनी रिश्तेदारी देखी बल्कि उम्म की खैर ख्वाही देखी फिर यह भी है कि हरत उमर ने कमेटी बना दी छः अफराद की भाई ये जिसको मंतख करेंगे तो ये ये असल तो ये तरीक़े हैं लेकिन हदीस में जो बुखारी मुस्लिम की मैंने हदीस पढ़ी इसमें बदतरीन तरीक़ा भी है उसका भी तस्कर है बदतरीन क्या है कि एक आदमी जिसे ना पब्लिक पसंद करती है जिसकी ना वोटिंग हुई है ना मशवरा लिया गया ना ये देखा गया कि ये खैर ख़्वाए हती कि शक्ल भी नहीं देखी गई वो क्या करता है जुल्म की बेस पर तलवार चलाता है और लोगों की गर्दनें काटते 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 एक हुकूमत पे मुसलत हो जाता है और ालिम हुक्मरान जिसे कहा जाता है आमिर आमरीत जिसे कहा जाता है तो अगर वो गलत तरीक़े से कोई आया और उसमें एबिलिटी है ही नहीं हाकिम बनने की लेकिन वो बन गया हाकिम हाकिम की डेफिनेशन किया पावर मुल्क उसके हाथ में आ गई कौम की पावर जो है ना एक रियासत की लगाम उसके हाथ में आ गई है तो जब वो इस स्टेज पे पहुँचेगा उसका इस तरह से आना तो गलत था लेकिन जब वो पहुँचेगा तो बुहारी मुस्लिम की हदीसे आप वसल्लम ने फ़रमाया व वकीी सुनो और इतात करो वला उलताम रजुल हबशन अगरचे हपशी गुलाम तुम पर मुसल्लत हो जाए एक तो हफ्शी का मतलब ये कि शक्ल भी अच्छी ना हो इंसान कम अज़ कम वजीर आजम या सदर की या खलीफ़ा की पर्सनैलिटी तो देखता है ना कि यार चलो काम अच्छे नहीं शक्ल तो अच्छी हो फरमाई शक्ल भी अच्छी नहीं है और दिमाग भी ऐसा है उसका कन्ना राउबीबा कश्मिश की तरह पिचका वक्त सर है उसका खोपड़ी उसकी कश्मिश की तरह यानी इधर से भी खाली है लेकिन जब मुसलत हो गया तो अब गलत हुआ लेकिन बास काम करने से पहले गलत होते जब हो जाते हैं तो अब वो रिवर्स नहीं होते जैसे दूसरी शादी का मैं लोगों को कहता हूँ कि बास लोगों के लिए दूसरी शादी सही नहीं होती लेकिन जब हो गई है तो अब हम उनको तलाक का मशवरा नहीं देते कि अब आप डिवोर्स दें दूसरी को अब हो गई तो हो गई तो वो किन लोगों के लिए सही नहीं होती जिनमें हौसला नहीं है तपड़ नहीं है अदल नहीं कर सकते तो आ, उनको पहले से अंदाज़ा नहीं था कि क्या रिएक्शन होगा ये इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे सुनहरी ख्वाब देख कर वो शादी कर रहे थे तो बास चीज़ें काम करने से पहले गलत होती हैं हो जाएँ तो अब उन्हीं को कर अब उन्हीं को किसी तरह निभाना होता है तो उनमें भी यही है कि अगर कोई गलत तरीक़े से भी हाकिम बन जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अब आपने उसकी इताअत करनी है उसके खिलाफ अब आप तलवार नहीं उठा सकते क्योंकि असूल और ज़ाबता यह है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है अब वो बड़ी मुसीबत आ गई है हाकिम बन गया है लेकिन अगर आप उसके खिलाफ तलवार उठाएंगे तो मुसलमानों के कत्ल होगा रियासत दो टुकड़ों में तकसीम होगी वजह क्या है कि ज़ाहिर है उसके पास पावर थी तभी तो आ गया ना वो तो आप कैसे लड़ सकते हैं उसके खिलाफ जो पावर के जरिए आ गया हो तो इसका मतलब पावर उसके पास है और अल्लाह ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है तो आप उसके खिलाफ लड़ेंगे तो वो मार देगा आपको जैसे हजाज बिन यूसुफ के खिलाफ बगावत हुई कितना ालिम बादशाह था लेकिन बगावत नाकाम हुई और इतने बड़े बड़े उलमा सलह कत्ल हुए बनु उमैया के खिलाफ बगावत हुई बगावत करने वाले बड़े नेक लोग थे बनू अब्बास थे हज़रत अब्बास की आल औलाद थी मगर उस बगावत का नुकसान क्या हुआ कि खिलाफत दो टुकड़ों में बढ़ गई तो अब हम ये कहते हैं कि जमहूत का जो मौजूदा तरीका मुल्क में चल रहा है ये बिल्कुल गैर शरियी है इसमें तो दो राय नहीं हो सकती क्योंकि एक जाहिल के वोट की भी वही वैल्यू है जो एक पढ़े लिखे के वोट की वैल्यू है अगर इसको इस्लामी लाना है तो आपने पढ़े लिखे की वैल्यू को वोट की वैल्यू को बढ़ाना है आपने आइन तो हमारा बना हुआ है पहले से इस्लामी हुकूमत में हाकिम को आयन तो कुरान और सुन्नत है उसका पाबंद है वो आइन चेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं है जो आइन की बेसिक शिक होती है कि क्योंकि मुल्क में कुरान और सुन्नत के अलावा इस्लाम नहीं मानता तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता बाकी हुक्मरान आएगा कैसे तो असल तरीक़ा तो ये है जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तुकी की सिलेक्शन का था कि आप पढ़े लिखे लोगों की वोट को वैल्यू दें आप और जो कौम के समझदार लोग हैं लेकिन ऐसा है नहीं तो जब नहीं है ऐसा और हम इस निज़ाम को चेंज भी नहीं कर सकते तो जैसा है उसी में जितनी खैर ला सकते हैं आप ले आएँ आप अगर ब्यूरोसी में बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं और असम्बलियों में बड़ी तादाद में पहुँच जा के पहुँच कर इस जमूरीत के इस मौजूदा सेटअप को अगर चेंज कर लें और कहें कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके वोट की इतनी वैल्यू है जो अनपढ़ हैं उनकी वोट की इतनी वैल्यू है पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो बेचारे बिल्कुल फ़ार हैं हर तरफ़ से उनकी वैल्यू वोट की कम होगी तो ये बड़ा अच्छा निज़ाम हो जाएगा क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होता है दीनदारों की वैल्यू उसके वोट को ज़्यादा वैल्यू दी जाए तो एजुकेशन पर मैं समझता हूँ कि मदार होना चाहिए इसमें राय भी हो सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि एक एजुकेटेड आदमी के वोट की वैल्यू कम से कम तीन चार गुना ज़्यादा होनी चाहिए एक ऐसे आदमी के वैल्यू वोट से जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना उसको कुछ आता ही ना हो बल्कि उसकी वैल्यू की कोई उसके वोट की वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको क्या पता वो तो ये देखेगा कि किसने मेरे मुल्क में सड़क बना दी किसने मेरे मुल्क में ये ये बना दिया वो ज़ाहिर चंद चीज़ों उसको अंदर क्या पता है कि मुल्क कैसे खोखला हो रहा है मुल्क का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है उसको अंदर की चीज़ें नहीं पता होती को बेवकूफ़ बनाना जमुई हुक्मरानों के लिए बहुत आसान होता है दो चार नारे लगा लगा के वो आवाम भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल पड़ती है तो वही हो रहा है कि आप देखें ना क्या हाल किया हुआ है मैं क्या जगहों के नाम ले लेके बताऊं आपको ख़ुद लोग समझदार हैं कि इन जमूरी हुक्मरानों ने बिड़क रख किया हुआ है तो ये जमूरीत का बड़ा गलत निज़ाम है हमारे मुल्क में लेकिन अब करना क्या है बात ये कि हम या तो अब इस सेटअप को आप चेंज कर दें वो चेंज कर नहीं सकते तो अब इसी में आप जितनी जितना शर को कम कर सकते हैं करें वो कैसे होगा कि वोट अगर आप नहीं देंगे तो आप जिसको बेहतर समझते हैं अगर आप उसको वोट नहीं देंगे तो वो जो करप्ट आदमी है उसका वोट बढ़ जाएगा और वो आ जाएगा फिर ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग जमूरियत कुफुर और जमहूरियत गैर इस्लामी कह कह के इलेक्शन का बाइकआउट कर लेते हैं और वो बेदीन कवतों को फायदा पहुंचा देते हैं तो बैकआउट नहीं करना है अब आपने इसी का हिस्सा बन के समथिंग इज बेटर दैन नथिंग कि आप पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तो भाई इसी सिस्टम में जितनी चेंजिंग आप ला सकते हैं उतनी ले आए तो बाइकआउट करने से नुकसान ये होगा कि लोग कहते हैं हम तो वोट ही नहीं देना क्योंकि ये निज़ाम ही गलत है तो निज़ाम गलत है तो वोट जो नहीं दे रहा वो भी दे रहा है असल में वो अपने मुखालिफ को फिर एक वोट बढ़ा रहा है उसका तो अगर आप सारे बाइकआउट करके बैठ जाएंगे तो जो जाहिल लोग हैं वो तो वोट दे रहे हैं जा जाके वो फिर गलत लोग हाकिम बनते रहेंगे और लोग ये भी कहते हैं हम इस हाकिम को हाकिम नहीं मानते तो आपके ना मानने से कुछ नहीं होता हाकिम की डेफिनेशन ये जिसके पास पावर हो क़ुत नाफिजा हो वो जो कहे डंडे के ज़ोर से मनवा सकता हो तो वो पुलिस और फौज तो इन्हीं के पास है आपके पास तो नहीं है ना वो तो इसलिए आप इसी निज़ाम में जितनी तब्दीली तब ला सकते हैं वो लाएं। बायकॉट नहीं कर सकते आप इस निज़ाम का बायकॉट से नुकसान होगा और बगावत भी नहीं कर सकते इसलिए कि बगावत से क्या होगा खिलाफत नहीं आ जाएगी बल्कि जो टूटे फूटे मुसलमान मुल्क बचे हैं ना टुकड़ों की शक्ल में ये एक खलीफा पे जमा होने के बजाय इनके मजीद बीस तीस टुकड़े हो जाएंगे ये होगा जैसे लीबिया में हुआ है इराक में हुआ है इराक में तो खैर अमेरिका जो अमेरिका और इन ताकतों ने जो गेम खेला वो सारी दुनिया के सामने लेकिन लीबिया में हाकिम के खिलाफ खड़ा किया और जो खैर थी उससे भी गए तो यही नुकसान होगा तो हम कहते हैं अब खिलाफत के नाम पर उम्मत को मजीद मत तोड़ें आप लेबल बहुत अच्छे इस्तेमाल होते हैं तो अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर अल्लाह न करे बगावत होती है खिलाफत के नाम पे तो आप इस खुशहिमी में ना रहें कि कोई बहुत खूबसूरत खलीफा आ जाएगा ये होगा कि मुल्क चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा सऊदी अरब में अगर बगावत होती है खिलाफत के नाम पे कि हम बादशाहत को खत्म करें खिलाफत लाएंगे खिलाफत विलाफत नहीं आएगी सऊदी अरब टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और जो इस्लाम दुश्मन क़वतें वो वहाँ और ज़्यादा मस्तकम हो जाएंगी और ज़्यादा उनके जो है ना फ़ायदे हासिल होंगे इसलिए जितने बचे खचे इस्लामी मुल्क बचे हुए इनको बचाओ ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज लोग ए, उम्मत को जो है ना चार फिका से हटाते हैं कि चारों फ़िका उम्मत में बन चुके हैं हनफी मालिकी शाफ़ी हम हम कुरान और सुनत पे लाकर सबको एक करेंगे तो एक नहीं करते एक पाँचवा फ़िरक़ा बना लेते हैं और फिर पाँचवें के फिर आठ दस उसके अंदर से फिरकियाँ निकलती हैं बहुत सारी तो लेबल बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं लेकिन उम्मत इससे जुड़ने के बजाय टूटती चली जा रही है तो जो बचे खुचे इस्लामी मुल्क बचे हुए हैं इनकी क़दर करें इनमें आप सांस ले रहे हैं इन्हीं में आप जिस हद तक अस्बा और वसाइल इख्तियार करके खैर ला सकते हैं लाएँ तो वो खैर किस तरह से आएगी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें मैं अक्सर वाक़ सुनाता हूँ दोबारा मैं सुना रहा हूँ लाहौर से एक साहब का फ़ोन आया कि लाहौर में हाईकोर्ट के जज ने गैर शरय फैसला किया है आप जज के खिलाफ बयान करें मैंने कहा जज के खिलाफ बयान करके मैं अंदर हो जाऊँगा गैर शरिय फैसला तो तब्दील नहीं होगा तो क्या फिर क्या करें वो मुझे कहने लगे मैंने कहा ये करें कि आपके कितने बेटे हैं उन्होंने कहा तीन बेटे मैंने कहा आप तीनों के बारे में ये विजन बनाएँ कि मैंने तीनों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो कम अज़ कम हाई कोर्ट के तो बनी जाएंगे और उनकी पहले से तरबियत करें आप कि भाई गैर शरीफ़ फ़ैसले नहीं करना आपने मुल्क में खैर लेकर आनी है करप्शन को ख़त्म करना है जो भी है तो पहले से जब विजन बनेगा विजनरी लोग इन ए, सी एस एस करेंगे और ब्यूरोसी में जाएंगे तो इन श्ला फिर खैर आएगी तो ये जो तरीका खैर लाने का है ना एकदम उठो और यूँ यूँ कर दो इससे कुछ भी नहीं होगा इससे आप ख़त्म हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो तुर्की में देखें तय्यबरदगान का जो तरीका है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है बहुत अच्छे नतज उसके निकल रहे हैं इन आज जो तुर्की आपको नजर आ रहा है चालीस पचास साल के बाद तुर्की बिल्कुल चेंज हो चुका होगा इन श से पूरी उम्मीद है एक बेहतरीन बेहतरीन इस्लामिक स्टेट बन चुका होगा वो तो वो जिस ट्रैक पर चल रहे हैं ना अभी तो आपको तुर्की में बेहयाई नजर आ रही है लिबरलिज्म नजर आ रहा है लेकिन बहुत चेंज हो चुका है तुर्की आप कल का तुर्की में और आज में बड़ा फ़र्क है और इन फ्यूचर में और क्योंकि उन्होंने स्कूल पे मेहनत की स्कूलिंग सिस्टम को अच्छा किया मस्जिदों के बाहर उन्होंने होटल बनाए लड़के होटलों में आते थे चाय पीते थे इस बहाने वो थोड़ा सा उनका मस्जिद का भी लिंक हुआ मस्जिद से इमाम से वो मस्जिद के आईमा कराम से उनका उठना बैठना हुआ मैं तो तुर्की गया हूँ ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी उन लोगों ने इख्तियार है ना कि आपकी सोच होगी बहुत बसिरत के साथ कोई बगावत वाला डंडे वाला रास्ता उन्होंने इख्तियार नहीं किया हम चाहते हैं एकदम से इनकलाब आ जाए और जमूरीत कुफर और जमूरीत ये है जमूरीत ऊँ ऐसे बातें कर कर के पटपटा के ख़त्म हो जाते हैं और कुछ लोग जेलों में चले जाते हैं और बहुत से मुल्क तकसीम हो गए तबाह बर्बाद हो गए वो बैन अवी ताकतों ने उनको यरगमाल बना लिया बैन अवी ताकतों ने उनके रहे सह वसायल पर भी हड़प करना शुरू कर दिया तो इसलिए मुसलमानों को अभी जोड़ने की ज़रूरत है मजीद टूटने का हम तहमुल नहीं कर सकते आप एजुकेशन की तरफ तोज्जो दें अच्छे लोग एजुकेशन में आए फौज में जाएँ और पुलिस में जाएँ जो ब्यूरोसी में जो पीक के होदे हैं ना उनमें अच्छे लोगों को भेजें आप अपनी औलादों का विजन बनाएं कि मैंने ऐसा करना है तो इनशाला देखें आज नहीं बीस तीस चालीस अच्छे स्कूल बनाएं आप जिनमें एजुकेशन बहुत अच्छी हो लेकिन माहौल इस्लामी हो और विजनरी लोग हों उसमें तो आप देखें क्या इन इनकलाब आएगा मुफ्ती तारिक मसूद